मॉर्निंग, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं राजेश शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजेश गुरुजी। आप सभी ठीक होंगे मित्रों। अभी भी मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की भर्ती चालू है। कई अतिथि शिक्षक पोर्टल से वंचित, पद जीरो और स्कूल की रिक्वेस्ट भी नहीं आ रही है। आखिरकार ये क्या मामला है, इसको लेकर डीपीआई लगातार सुधार कर रहा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या डॉक्टर मोहन यादव अतिथि शिक्षकों को नियमित करेंगे, ये यहाँ पर बड़ा सवाल होता है। लेकिन आपको एक अपडेट बताना चाहता हूं, जिससे कि यह मुझे लगता है कि अतिथि शिक्षकों का कुछ अच्छा हो सकता है। हाँ, तो यहाँ पर जब कोई भी बड़े पद पर पहुंचता है, जैसा कि विधायक से मंत्री और मंत्री से मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री, लेकिन ऐसा ही मामला यहाँ पर मैं आपको एक बताना चाहता हूँ जिसमें कि अतिथि शिक्षकों का हित हो सकता है। और कोर्ट ने भी कहा है कि अतिथि शिक्षकों को नियमित किया जाए जिनके पास में तमाम योग्यताएं रखते हैं, आरटी के नियम में आते हैं। तो यहां पर आप देखें इस अपडेट को। और डॉक्टर मोहन यादव, विधायक उज्जैन दक्षिण मध्य प्रदेश विधानसभा, ये 2018 का लेटर है, 15/3/2018 का। ये मैं आपको क्यों बताना चाहता हूं, इसका एक रीजन वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो यहाँ पर आप देखें, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मध्य प्रदेश शासन भोपाल, अतिथि शिक्षकों को नियमित संविदा नियुक्ति प्रदान करने के संबंध में डॉक्टर मोहन यादव, विधायक उज्जैन दक्षिण मध्य प्रदेश विधानसभा। और अब ये मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं, और इन्होंने 2018 में अतिथि शिक्षकों की आवाज उठाई थी। हाँ, अब उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि अतिथि शिक्षक संगठन समिति जिला उज्जैन मध्य प्रदेश द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन कर निवेदन किया है कि प्रदेश में वर्तमान में कार्यरत अतिथि शिक्षक 8 से 10 वर्षों से निरंतर पूर्ण निष्ठा से अध्यापन एवं अन्य अनुशासित कार्य कर रहे हैं। वर्ग एक के अतिथि शिक्षक को 4500, वर्ग दो के अतिथि शिक्षक को 3500, वर्ग तीन के को 2200 रुपए प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा है, जो कि दैनिक मजदूरी की तुलना में भी अति अल्प है, यानी कम है। इनकी लंबी सेवा अवधि एवं इन्हें संविदा शिक्षक बनाए जाने की कार्रवाई अत्यंत अपेक्षित है। संघ द्वारा मुझे प्रस्तुत तत्संबंधी ज्ञापन इस पत्र के साथ प्रेषित कर रहा हूं। कृपया ज्ञापित तथ्यों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर अतिथि शिक्षकों के हितों को दृष्टिगत रखते हुए इनकी मांगों के निराकरण हेतु आवश्यक निर्देश प्रसारित करने का अनुरोध करता हूं। और अब ये मुख्यमंत्री, आप समझ सकते हैं, ये मुख्यमंत्री हैं, अब ये संविदा शिक्षक भी बना सकते हैं, अध्यापक भी बना सकते हैं अगर चाहें तो। लेकिन इसको लेकर क्या जरूरी है, मध्य प्रदेश के तमाम अतिथि शिक्षक एक एक लेटर, एक एक पत्र की जानकारी रखते हैं भाइयों। तो ये सही है कि अतिथि शिक्षकों को संविदा शिक्षक, जैसा कि पोर्टल पर नाम आ रहा है, पोर्टल पर नाम आ रहा है संविदा शिक्षक 1, संविदा शिक्षक 2, संविदा शिक्षक 3, SS1, SS2 और SS3। जैसा कि पहले डायरेक्ट शिक्षक नहीं बनते थे, अगर पात्रता परीक्षा पास होकर संविदा तौर पर रखा जाता था उनको 3 साल में, और 3 साल में उनको शिक्षक बना दिया जाता था। लेकिन अब ये संविदा का सिस्टम खत्म है, डायरेक्ट ही शिक्षक बनते हैं और वेतन भी अच्छा मिलता है। लेकिन अगर अतिथि शिक्षकों को 3 साल संविदा पर नियुक्त किया जाए, जैसा कि जो पूर्व में शिक्षकों की भर्ती होती थी उस तरीका से, और 3 साल में उनकी जो तमाम योग्यता है उनको अर्जित किया जाए, उनका रिकॉर्ड देखा जाए, अभी जो लगे हुए हैं या जो पात्र हैं, बाकी ये मांग है, तो सरकार अगर इनको नियमित करना चाहती है तो कर सकती है मित्रों। बाकी तमाम अतिथि शिक्षकों का यही कहना है, और आप क्या कहना चाहते हैं जरूर बताएं। फिर आऊंगा एक और वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी को जय श्री राम।